अगेन मॉर्निंग इन ऊटी सनराइज के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। छोटू सा टीवी देखते देखते हुए ऊटी में लंच किया जा रहा है। घर का बना आलू का सब्जी, कच्ची कैरी, दही, रोटी। रेडी टू चेक आउट फ्रॉम ऊटी। इट वॉज अ नाइस एंड प्लेजेंट स्टे हियर। अभी आगे बढ़ते ऊटी लेक गार्डन वगैरह देख के आगे बढ़ेंगी हमारी जर्नी। तो ऊटी में साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है दौड़ा बेटा पीक, वहीं पे जा रहे हैं। रास्ता घना जंगलों वाला बढ़िया रास्ता है वैसे तो। हमारी दोनों बेटियां मस्ती कर रही है अभी, उनको क्या पता है हाईएस्ट पीक पॉइंट के बारे में। ट्राई करेंगे उसको कुछ समझाने का। तो भाई महिंद्रा बोलेरो को लेके साउथ इंडिया के पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, दौड़ा बेटा पीक पॉइंट। यहाँ ऊपर टेलीस्कोपिक व्यू भी है, जो चारों ओर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पीक पॉइंट से क्या क्या दिख रहा है, कैसा नजारा है। तो हम पहुंच गए बॉटनिकल गार्डन इन ऊटी। अभी हम पहुंच गए बोट हाउस इन ऊटी। 15 रुपये का पर पर्सन टिकट है। एंट्रेंस बोटिंग का अलग से रहता है। तो ऊटी बोट हाउस में एक्चुअल में बोटिंग करने का 4 सीटर का पैडल वाला बोट हमको पड़ा है 900 में, जिनमें से 400 वापस मिल जाएंगे डिपॉजिट के। Thank you.
ऊटी बोट हाउस पे हमने पूरे 2 घंटे बिता लिए हैं। वैसे तमिलनाडु टूरिज्म अच्छा है, जितने भी प्लेसेस पे हम गए हैं अब तक वो पार्किंग की पूरी व्यवस्था रहती है, टॉयलेट वॉयलेट सब क्लीन रहता है, प्रॉपर स्टाफ होता है। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारे लिए है कोयम्बतूर, जो कि यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है। 3 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है गूगल यहाँ से, बीच में माउंटेन वाला एरिया है तो टाइम लगेगा 84 किलोमीटर, फिर बाद में सीधा हाईवे आएगा। अहमदाबाद से निकले हुए हमने 2,257 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। टैंक फुल करवा देते हैं, क्या पता माउंटेन रीजन में यार थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी से ही फुल करवा के निकलते हैं। जबकि हम यहाँ ऊटी से निकल गए हैं, अभी हम हाई ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। हम प्रॉपर माउंटेन वाला रोड है, टोटल 13 हेयरपिन बैंड आएंगे, 3 हमने कवर कर ली है। अभी बज रहे हैं 5:15 और कोयम्बतूर यहाँ से 60 किलोमीटर रह गए हैं। हमारी दोनों बेटियाँ अच्छे से सो गई है और होटल सर्च करना हमने स्टार्ट कर दिया है कोयम्बतूर में रात में। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, शाम के 6 बज गए हैं। हमने जो पूरा पहाड़ी इलाका था वो पार कर लिया है। अभी यहाँ से कोयम्बतूर 39 किलोमीटर रह गया है, हमने होटल बुक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, सीधा रास्ता है, फटाक से पहुँच जाएंगे। नीलगिरी माउंटेन डिस्ट्रिक्ट का लास्ट मेट्टुपलायम सिटी आ गया है। कोई भी सिटी हो वहाँ से गुजरते हैं तो नज़र हमारी इनके स्ट्रीट फूड पे पड़ जाती है, कुछ तीखा मीठा ढूंढ रही है मेरी वाइफ। मट्टू पलायम क्रॉस करते करते हमारी हवा निकल चुकी है, इतना बड़ा सिटी निकला और ट्रैफिक वाला एरिया भी था। कोयम्बतूर अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। हमारी दोनों बेटियाँ अभी भी सो रही है, पता नहीं आज ऊटी में घूम के इतना थक गई है। पार्क
15वां दिन हम कोयम्बतूर में आ चुके हैं, होटल में चेक इन कर लिया है। हालांकि मेरी बेटी को जो ऊटी में जो विला मिला था वो बहुत पसंद था, अभी जो भी मिला है इधर कोयम्बतूर में हमको 1700 में ये रूम मिला है। टीवी है, पुराना सा फर्नीचर दिख रहा है थोड़ा सा, बेड डिसेंट साइज है, हम चारों आराम से सो पाएंगे, नॉन एसी है और वार्डरोब वगैरह दिया गया है। ये होटल में रेस्टोरेंट भी है तो वहीं पे डिनर करेंगे। आपको दिखाने के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी आगे की जर्नी देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। इस ट्रिप के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा। टिल देन गुड बाय।